Hello everyone, today we will discuss GPS number 3 and the questions which I'll discuss today are 2, 3, 4, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22. Okay, so let's start with the second question. Two tugboats are towing a ship, each exert a force of six tons and the angle between the tow ropes is 60 degrees. What is the resultant force on the ship? So, ye ship hai. और इसे दो छोटी छोटी बोट्स, ठीक है, ये इसे खींच रही है. हर एक बोट 6 टन्स का फोर्स लगाती है और इसके बीच में एंगल है 60 डिग्री. सो वी नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस शिप. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, इसका कंपोनेंट हम निकालेंगे. ये एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक है, तो ये 6 cos 30 डिग्री और ऊपर की तरफ 6 sin 30 डिग्री, अगेन 6 cos 30 डिग्री और नीचे की तरफ 6 sin 30 डिग्री. तो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन क्लियरली सी दैट द वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल एड अप. सो टोटल फोर्स विल बी हाउ मच, रिजल्टेंट टोटल, और लेट्स से रिजल्टेंट विल बी 2 into 6, that is 12 cos 30 degree. Cos 30 degree is how much? √3/2. So this comes out to be approximately 10.4 tons. Okay. So the next is question number 3. A boat moving at 5 km/h is to cross a river in which the current is flowing at 3 km/h. So, velocity of boat with respect to ground is given to be 5 km/h and velocity of river current is 3 km/h. In what direction should the boat head to reach a point on the other bank of the river directly opposite its starting point? River current is direction mein hai, the velocity is 3 km/h, theek hai? तो वो बोट जो है उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए सो दैट उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल हो. तो बोट की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होनी चाहिए. ये 5 है 5 किलोमीटर पर आर और ये 3 किलोमीटर पर आर. तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही कुछ ऐसा आ सकता है, ठीक है. सपोज ये एंगल थीटा है, तो दिस इज 5 cos थीटा एंड दिस इज 5 sin थीटा, ठीक है. नाउ इन ऑर्डर कि इसकी वेलोसिटी वर्टिकल हो, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करे तो वो वर्टिकली इस पॉइंट पे पहुँचे, क्या कंडीशन होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, रिजल्टेंट. इट मीन्स 5, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 sin थीटा -3 शुड बी इक्वल टू 0. सो 5 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 3 एंड साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 3/5. साइन थीटा 3/5 है तो थीटा कितना होगा? 37 डिग्री. सो दिस एंगल शुड बी 37 डिग्री. तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 - 37 डिग्री, दैट इज 53 डिग्री. सो द आंसर इज 53 डिग्री. हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. इन गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, अ कार हूज ड्राइवर टेंड्स टू गेट लॉस्ट गोज 30 किलोमीटर नॉर्थ. सपोज ड्राइवर ने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो ही गोज 30 किलोमीटर नॉर्थ. ये डिस्टेंस 30 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ. ए से सपोज उसने स्टार्ट किया तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? बी. देन ही गोज 50 किलोमीटर वेस्ट. बी से लेके सी एंड देन 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट.
साउथ ईस्ट मतलब कि ये वाली डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट और ये दे रखा है 20, तो वो ए से लेके बी गया, ए से लेके बी नॉर्थ एंड देन वेस्ट बी टू सी एंड देन साउथ ईस्ट, दैट इज 45 डिग्री फ्रॉम सी टू डी. ओके, सो यू नीड टू फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ फार अपार्ट आर दीज सिटीज. तो हमें ए और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है. तो क्या करेंगे, ये हमने एक लाइन बनाई, दिस इज वन थिंग, ये 20 है. तो डायग्राम से हम क्लियरली देख सकते हैं दिस विल बी 20 cos 45, दैट इज 10√2 एंड दिस इज 20 sin 35, अगेन 10√2. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बी, एंड सपोज दिस इज ई, सो डी ई विल बी इक्वल टू हाउ मच, डी ई विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, डी ई विल बी इक्वल टू बी एफ, दैट इज इक्वल टू 50 minus 10√2. ये डिस्टेंस 50 minus 10√2 हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना दे रखा है 50, तो दिस विल बी इक्वल टू 50 minus 10√2. और ये एक रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड बराबर होंगे, तो ये भी हो जाएगा 50 minus 10√2, ठीक है. और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ई और ए, देखो ये 30 है ये पूरा, और ये डिस्टेंस है 10√2, तो ये डिस्टेंस भी 10√2 आ जाएगा. तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा पूरा, ये वाला डिस्टेंस ए ई विल बी इक्वल टू 30 minus 10√2. ओके, सो सपोज दिस इज एक्स, ए डी इज एक्स, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, डी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर या ए ई स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 50 minus 10√2 स्क्वायर प्लस 30 minus 10√2 का होल स्क्वायर. सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1544, दैट इज इक्वल टू, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 39 किलोमीटर. सो योर आंसर विल बी 39 किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. टू फोर्सेस, वन ऑफ 10 न्यूटन एंड द अदर ऑफ 6 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी. द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज आर नॉट नोन, सो वॉट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीज फोर्सेज. एक बॉडी पे दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक का मैग्नीट्यूड है, क्वेश्चन नंबर 13, ओके. तो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है कितना, सपोज एफ वन, एफ वन इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड एफ टू इज विल बी इक्वल टू 6 न्यूटन. दो वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल सपोज थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाता है इसका अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा, ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है. तो इन ऑर्डर टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस रिजल्टेंट, पहला क्वेश्चन क्या है ए पार्ट, वट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स. इसको मिनिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कॉस, इसको मिनिमम करने के लिए हमें इसकी वैल्यू मिनिमम करना पड़ेगा. तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस थीटा -1 के बराबर होगा, राइट. कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू जब होगी तब इस क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू होगी. कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, तो पुट कॉस थीटा इज -1, सो यू विल गेट 100 + 36 -2 × 10 × 6. सो दिस विल बी -120, दिस विल बी 6, सॉरी दिस विल बी 4, दिस विल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4, दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. जब दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे, एफ वन इस डायरेक्शन में होगा और एफ टू इस डायरेक्शन में होगा, तब इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वेक्टर एफ वन माइनस वेक्टर एफ टू, दैट विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन, ठीक है. हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. बी पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड विल बी 4 एंड थीटा विल बी 180 डिग्री. यू विल गेट दिस वैल्यू व्हेन द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेज विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड दैट मिनिमम वैल्यू विल बी 4 न्यूटन. ओके,
व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड? बी इज व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड? मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों फोर्स इसी एक ही डायरेक्शन में लगे, एफ वन भी इसी डायरेक्शन में लगे और एफ टू भी इसी डायरेक्शन में लगे, तो रिजल्टेंट कितना हो जाए? वेक्टर एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन. मैक्सिमम वैल्यू विल बी 40 न्यूटन.